हेलो रिवन, तो आज हम एक्सरसाइज 2B का एग्जांपल नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, व्हाट रियल नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलीनोमियल 3x³ + 10x² - 14x + 9 सो दैट 3x - 2 डिवाइड्स इट एग्जैक्टली। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस पॉलीनोमियल में हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट 3x - 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, यानी कि कंप्लीटली डिविजिबल होगा। क्लियर है, तो देखते हैं ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड 2009 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 8, ठीक है, इसको हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब इतना सबको पता है कि जो 8 होता है वो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता है, क्योंकि 3 के टेबल में कहीं भी 8 नहीं आता है। ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं। तो अगर ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा तो कुछ रिमाइंडर आएगा। अगर कम्प्लीटली डिवाइड होता तो रिमाइंडर 0 आता, लेकिन ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा यानी कि कुछ रिमाइंडर आएगा। तो डिवाइड करके चेक करते हैं, तो पहले 2 टाइम्स में डिवाइड होगा, यहाँ पे 6 होगा और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे। अगर हम बोलें ये डिविडेंड है मेरा, ठीक है, और ये डिवाइजर है, ये कोसेंट है, ये रिमाइंडर, इसको हम डिवाइजर बोल रहे हैं। डिवाइजर को हम जनरली बी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ए से रियल नंबर में करते थे। ठीक है, वैसे पॉलीनोमियल में हम डिवाइजर को जी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको पी एक्स या एफ एक्स से, क्यू एक्स और आर एक्स से करते हैं। ठीक है, अब अगर हम बोले कि हम डिविडेंड में क्या सब्ट्रैक्ट करें, कौन मतलब क्या सब्ट्रैक्ट करें कि जो भी रिजल्ट आएगा वो डिवाइजर से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, तो हम इसको हम डिस्कस भी किए थे कि अगर हम डिविडेंड में से रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिविडेंड में से रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट डिवाइजर से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। ठीक है, यानी कि यहां पे अगर हम डिविडेंड माइनस रिमाइंडर करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा वो डिवाइजर से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। आप चेक भी कर सकते हो, यहां पे 8 है, डिविडेंड क्या है 8, 8 माइनस 2 करेंगे क्या आएगा 6, अब ये 6 जो है 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है। क्लियर है, तो ये कंसेप्ट हम रियल नंबर में भी डिस्कस किए थे कि अगर हम डिविडेंड में से रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो भी रिजल्ट आता है वो डिवाइजर से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। क्लियर है, तो यही कंसेप्ट का यूज हम यहां पे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस पॉलीनोमियल में हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि 3x - 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ के तो ये तो क्लियरली लग रहा है कि 3x - 2 इसको कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पा रहा है, तभी बोल रहा है कि कुछ सब्ट्रैक्ट करो तब कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो कंप्लीटली डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों को डिवाइड करेंगे, यानी कि इससे इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को हम डिविडेंड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट इससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, जैसे यहां पे बताया था। ठीक है, यानी कि पहले हमको डिवाइड करना होगा, कुछ रिमाइंडर आएगा, उस रिमाइंडर को हम डिविडेंड में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो जो भी रिजल्ट होगा वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, यहां पर सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहले पॉलीनोमियल को कुछ मान लेते हैं, इसको एफ एक्स मान लेते हैं, जी एक्स मान लेते हैं, लिख देंगे लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 3x³ + 10x² - 14x + 9। ठीक है, इसको जी एक्स मान लेते हैं, यानी कि ये 3x - 2, ये डिवाइजर है, ये डिविडेंट है। क्लियर है यहां तक, अब ध्यान से देखेंगे। अब डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने से पहले ये चेक करते हैं कि गिवन पॉलीनोमियल से स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। तो जो भी पॉलीनोमियल दिया गया है वो पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है वेरिएबल का जो पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, यहां भी है यहां भी है। अब डिवाइड करते हैं सिंपली, तो ये हो जाएगा 3x³ + 10x² - 14x + 9, इसको डिवाइड करना है 3x - 2 से। ठीक है, कैसे डिवाइड करते हैं, तो डिविडेंड का पहला टर्म लेते हैं जो कि है 3x³, इसको हम डिवाइजर के पहले टर्म से डिवाइड करते हैं, यानी कि 3x से डिवाइड करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, यहां से 1 x कैंसिल हो जाएगा तो x² बचेगा। अब कोसेंट में जो कोसेंट का जो पहला टर्म होगा वो क्या होगा, x² होगा, यानी कि x² को यहां पर लिखेंगे कोसेंट में। अब इस x² को हम डिवाइजर के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो x² * 3x ये हो जाएगा 3x³, हमेशा पहला टर्म दोनों सेम होगा, ठीक है ना, तभी जाके कैंसिल हो जाएगा। और यहां पे -2 * x² ये क्या हो जाएगा, -2x², ठीक है। और लाइक टर्म्स को साथ में लिखते हैं, x² को x² के नीचे लिखेंगे, x³ को x³ के नीचे लिखेंगे। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा नीचे वाले टर्म्स का, यहाँ पे माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये दोनों कैंसिल, पुराने साइन को अब भूल जाना है, ठीक है ना, जो नए साइन है उसके साथ सॉल्यूशन करना है, अब सॉल्व करना है। यहाँ पे प्लस 10x² + 2x² ये हो जाएगा प्लस 12x², और जो भी दो टर्म बचा है उसको एज इट इज नीचे लिख लेंगे। क्लियर है, चलिए
फिर से हम डिवाइड करेंगे तो वही प्रोसेस करेंगे, 12x स्क्वायर को हम 3x से डिवाइड करेंगे, तो 12x स्क्वायर को अगर हम 3x से डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम्स में चल जाएगा और यहाँ से एक x आ जाएगा, ठीक है ना, यानी कि 4x आ जाएगा, क्लियर है, सही है। तो साइन क्या होगा, प्लस में होगा, तो प्लस 4x। अब ये 4x दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर और यहाँ पे ये हो जाएगा -8x, सबट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, कैंसिल, -14x प्लस 8x ये क्या हो जाएगा -6x हो जाएगा प्लस 9, ठीक है, फिर से डिवाइड हो जाएगा, चेक करते हैं, क्योंकि देखिए डिवीजन तब तक करते हैं जब तक यहाँ पे जो आने वाला मतलब पॉलिनोमियल है उसका डिग्री डिवाइजर के डिग्री से कम ना हो जाए, ठीक है, अभी सेम है यानी कि डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे -6x है, इसको हम 3x से डिवाइड करेंगे, x कैंसिल, यहाँ पे 2 यानी कि क्या आ गया -2, यहाँ पे -2 लिख देंगे। अब -2 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -6x हो जाएगा, -2 प्लस, ठीक है ना, प्लस 4, सबट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। तो अब ये जो है अब डिवीजन यहाँ पर रोक देंगे क्योंकि जो भी रिमाइंडर आया है उसका डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम है, ये कांस्टेंट पॉलीनोमियल है, कांस्टेंट पॉलीनोमियल का डिग्री 0 होता है जबकि इसका डिग्री 1 है, तो अब डिवीजन के रख देंगे तो यही क्या होगा, हमारा रिमाइंडर होगा यानी कि rx होगा, ये क्या था, qx था, क्लियर है। अब ध्यान से देखेंगे तो हमसे पूछ रहा था कि इस पॉलीनोमियल में हम क्या सबट्रैक्ट करेंगे कि वो 3x-2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, तो हम बताए थे कि अगर हम डिविडेंड में से रिमाइंडर को सबट्रैक्ट करते हैं तो डिवाइजर से कंप्लीटली डिविजिबल होता है, तो रिमाइंडर क्या है, 5 है, यानी कि अगर 5 को इसमें से सबट्रैक्ट करते हैं तो 3x-2 से वो रिजल्ट कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है ना। अगर इसमें से 5 सबट्रैक्ट करेंगे तो ये पॉलीनोमियल क्या बन जाएगा, 3x³ + 10x² - 14x और यहाँ पे प्लस 4 हो जाएगा क्योंकि 5 सबट्रैक्ट करेंगे, तो अब ये जो एक्सप्रेशन होगा वो 3x-2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, ठीक है। तो हम सब केवल पूछ रहा था कि कौन सा रियल नंबर हमको सबट्रैक्ट करना होगा, तो वो नंबर 5 होगा, क्लियर है। तो लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड रियल नंबर टू बी सबट्रैक्टेड वो क्या होगा, 5 होगा, ये आंसर होगा, ठीक है ना, सिंपल था क्वेश्चन। इस कंसेप्ट को हम चैप्टर 1 में भी डिस्कस किए थे कि डिविडेंड माइनस रिमाइंडर वो रिजल्ट हमेशा डिवाइजर से कंप्लीटली डिविजिबल होता है, ठीक है, इसी कंसेप्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्योंकि ये बोर्ड में पूछ चुका है, तो अगर कहीं भी कोई दिक्कत लगे जरूर आप उसको कमेंट करें। तो इस वीडियो में ये क्वेश्चन रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, थैंक यू।